नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मिर्जापुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मानव तस्करी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। गैंग से संबंधित 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं तथा बिक्री किया गया बालक भी सकुशल बरामद किया गया है। थाना चुनार जनपद मिर्जापुर पर दिनांक 2 जनवरी 2023 को थाना चुनार क्षेत्रांतर्गत निवासी एक महिला द्वारा अपने पड़ोस में रहने वाले नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध षड्यंत्र के तहत नौकरी दिलाने के नाम पर जनपद आगरा ले जाकर खरीद फरोख्त करने व मारपीट करने तथा वादिनी के 2.5 वर्षीय पुत्र को बेच देने के संबंध में लिखित तहरीर दी गई। उक्त तहरीर के आधार पर थाना चुनार पर मुकदमा पंजीकृत विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्र द्वारा मानव तस्करी से संबंधित उक्त घटना को गंभीरतापूर्वक लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी चुनार के नेतृत्व में टीमें गठित कर यथाशीघ्र बालक की बरामदगी व घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। उक्त निर्देश के अनुक्रम में दिनांक 4 व 5 जनवरी को अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन महेश सिंह अत्री व क्षेत्राधिकारी चुनार मंजरी राव के नेतृत्व में गठित टीमों द्वारा चुनार पर पंजीकृत उपरोक्त मुकदमे में त्वरित कार्रवाई करते हुए भौतिक व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस साक्ष्यों के आधार पर बिक्री की गए 2.5 वर्षीय बालक को सकुशल बरामद करते हुए मानव तस्करी की घटना में संलिप्त 6 अभियुक्तों को नंबर 1 उषा गोड पत्नी संजय गोड, दूसरा राम बाबू सोनकर पुत्र लच्छू सोनकर, तीसरा नीतू सोनकर पत्नी राम बाबू निवासीगढ़ कांसीराम आवास कस्बा चुनार थाना चुनार जनपद मिर्जापुर व चौथा बीरपाल पुत्र रामपीर निवासी नगला बुर्ज रोनकता थाना सिकंदरपुर जनपद आगरा, पांचवा सुधा सिंह सिसोदिया पत्नी बीरपाल निवासिनी श्री जी हॉस्पिटल त्रिदेव बिहार थाना ट्रांसए मुना जनपद आगरा, छठवां परम सिंह पुत्र दुर्जन सिंह निवासी कलेक्ट्री बिहार थाना ट्रांस यमुना जनपद आगरा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अभियुक्ता के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 5 अदद मोबाइल तथा उषा एवं राम बाबू के कब्जे से बालक की बिक्री के प्राप्त धनराशि 25,000 रुपये बरामद किया गया। अभियुक्ता सुधा सिंह के कब्जे से क्रय किया हुआ 2.5 वर्षीय बालक बरामद किया गया। थाना चुनार पर पंजीकृत उक्त अभियोग में नियमानुसार अग्रिम विधि कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। पूछताछ में उक्त अभियुक्तों ने बताया कि जनपद आगरा निवासी सहयोगी बीरपाल परम सिंह व सुधा सिंह सिसोदिया के यहाँ 2.5 वर्षीय बालक व उसकी मां को खड्यंत्र के तहत ले जाकर आगरा के एक होटल में ठहरे, जहाँ बच्चे की बिक्री कर पैसा लेकर गायब हो गए। खुलासा कर रहे हैं आप, क्या है पूरा मामला? जनपद मिर्जापुर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट मामला आया था थाना चुनार के अंतर्गत। उसमें जनपद मिर्जापुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसमें इस पूरे गैंग के 6 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ साथ जो बच्चा 2.5 वर्ष का जो बच्चा था, जिसकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में जिसकी शिकायत दर्ज कराई गई थी, उसको भी सकुशल बरामद कर लिया गया है। पूर्ण घटना इस प्रकार है कि थाना चुनार अंतर्गत एक महिला के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई 2 जनवरी को कि उसे जनपद मिर्जापुर के कुछ लोग आगरा लेके गए और वहां काम दिलाने के बहाने लेके गए थे और वहां पे अन्य कृत्य के साथ साथ उसके 2.5 वर्षीय का जो उसका बच्चा था उसको भी बेच दिया गया है। इस घटना को जब ये महिला जब वापस मिर्जापुर आई थाना चुनार पे गई, ये घटना की नॉलेज होते ही इसमें तुरंत मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी धारा थी वो भी लगाई गई और इसमें टीमों का गठन किया गया। टीमों का गठन करके जनपद आगरा एवं अन्य जनपदों में भी हमारी टीमें गई और इस घटना से संबंधित 3 लोग उषा गौड, रामबाबू सोनकर, नीतू सोनकर, जो कि जनपद मिर्जापुर के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद 3 लोग वीरपाल, सुधा सिंह और परम सिंह, जो कि जनपद आगरा के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया गया और हमारी टीम के द्वारा ये जो 2.5 वर्ष का जो बालक है उसको भी सकुशल बरामद कर लिया गया है। पूर्णतया रूप से इस गैंग को बस्ट किया गया है और बालक को भी सकुशल रूप से बरामद कर लिया गया है। विवेचना में फर्दर अन्य जो भी बिंदु आएंगे, इसमें अन्य जो भी लोग शामिल हैं, उन सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कठोरतम कार्रवाई करते हुए ये इंश्योर किया जाएगा कि ये जो इन लोगों ने कार्य किया है, इन पे हम लोग सभी धाराएं लगा के इनको जेल तो भेजा जाएगा ही और साथ ही साथ गैंगस्टर इत्यादि की भी कार्रवाई इसमें की जाएगी। क्या इनका पुराना इतिहास भी कुछ है? ये
तीन लोग जनपद मिर्जापुर के हैं जिन्होंने पैसे के लालच में आके इस बच्चे को बेचा था, और जिन लोगों ने बच्चा खरीदा था ये अभी तक पूछताछ में आया कि उनके पास बच्चा नहीं था इसीलिए उन्होंने ये लिया था, उनको भ्रमित करके भी ये बच्चा बेचा गया था। खरीदने के जो पैसे का लेन देन हुआ है उसमें से 25,000 रुपए वो भी बरामदगी के रूप में पुलिस ने इसमें रिकवर किया है। और साथ ही साथ ये जो जनपद मिर्जापुर के आगरा के रहने वाले जो लोग हैं इनकी हिस्ट्री के बारे में भी, पास्ट के बारे में भी खंगाला जा रहा है, और अन्य भी अगर इन्होंने इस तरीके कृत्य किया होगा तो उसके लिए भी इनको अकाउंट फॉर किया जाएगा। सर, मिल्ला ने भी आरोप लगाया था कि उसके साथ सभी आरोपों को विवेचना में संलग्न किया जा रहा है। और जो जनपद मिर्जापुर में जो बातें हैं, जनपद आगरा में जो बातें हुई है या अन्य जनपद में भी, अगर इस घटना से संबंधित जो भी अपडेट है वो सभी विवेचना में शामिल किया जाएगा। अच्छा, जो लोग मिर्जापुर से पकड़े गए क्या इनका पुराना कोई इतिहास रहा है या इनका कोई गैंग और बड़ा गैंग है जो इस तरीके का काम करता है? इस फैक्ट्स को, जितने भी फैक्ट्स आएंगे हमारी विवेचना के दौरान, उन सभी चीजों को सम्मिलित किया जाएगा, और इनके गैंग में अन्य भी लोग अगर शामिल है उनको भी पकड़ के उनको भी जेल भेजा जाएगा।